जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर टू इंग्लिश का विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं, आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। सो आज का टॉपिक है विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा। इसके पहले भी हमने एक प्रीवियस क्लास लिए हुए थे जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसमें हमारे टॉपिक्स विक्टोरियन ड्रामा रहेगा, मॉडर्न एज ड्रामा, मेजर ड्रामेटिक्स ऑफ द मॉडर्न एज, टोटली हमारे मॉडर्न एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट वन ऑफ एस्टर जोन्स कैरेक्टर इन द प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडर्ड। तो एस्टर जोन का इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं मतलब हमें ध्यान देना होगा वेटिंग फॉर गॉडर्ड में, ठीक है। एंड ऑप्शन आर वीकनेस, पुअर मेमरी, इगोस्टिकल, हेल्पलेसनेस। द राइट आंसर इज इगोस्टिकल। तो वो इगोस्टिक नहीं था, बट हाँ वीकनेस का प्रॉब्लम था, पुअर मेमोरी भी था एंड हेल्पलेस भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉडर्ड्स नेम थॉट टू रेफर टू इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडर्ड। तो गॉडर्ड का नाम जो है वेटिंग फॉर गॉडर्ड में कैसे दर्शाया गया है, ठीक है। टू रेफर टू, किसे रेफर करके, मैनकाइंड, द यूनिवर्स, द अर्थ, गॉड। राइट आंसर इज गॉड। तो गॉडर्ड का जो नाम है गॉड की तरह रेफर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू कैरेक्टर्स इन वेटिंग फॉर गॉडर्ड आर। जो टू कैरेक्टर्स हमारे वेटिंग फॉर गॉडर्ड प्ले में मेंशन किया हुआ है क्या क्या है। एंड ऑप्शन इज द बॉय एंड लकी, पोजो एंड लकी, एस्ट्राजन एंड लकी, एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर। राइट आंसर इज एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर। तो ये दोनों हमारा कैरेक्टर्स मेन है जो कि वेटिंग फॉर गॉडर्ड प्ले में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडर्ड कॉल ईच अदर। जो दोनों मेन कैरेक्टर्स थे हमारे एस्ट्राजन और व्लैडिमिर, ये दोनों हमारे वेटिंग फॉर गॉडर्ड में एक दूसरे को क्या कहते थे, ठीक है। एंड ऑप्शन है पोजो एंड लकी, एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर, गोगो एंड डीडी, बॉय एंड लकी। राइट आंसर इज गोगो एंड डीडी। सो एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर एक दूसरे को गोगो एंड डीडी बुलाते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एक्ट वन ओपन्स इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडर्ड एस्ट्राजन इज। जब एक्ट वन ओपन होता है तो वेटिंग फॉर गॉडर्ड में एस्ट्राजन क्या था, क्या कर रहा था, ही इज मेकिंग कैसल्स इन द डर्ट, स्टेयरिंग ऑफ इन टू स्पेस, asleep trying to pull his boot off. The right answer is he is trying to pull his boot off. वो जो बूट्स पहने हुए थे उसे वो पुल ऑफ कर रहा था, ठीक है। वो इसी से हमारा उसका एस्ट्राजन का अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टाइम पोजो एंड लकी मीट एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर इन एक्ट वन, पोजो टेल्स एस्ट्राजन एंड व्लैडिमिर दैट लकी। तो जो फर्स्ट टाइम जब पोजो और लकी जब मिले थे एस्ट्राजन और व्लैडिमिर से एक्ट वन में, तो पोजो ने इन दोनों को क्या कहा था, दैट लकी व्हाट, he taught him beautiful things, wants to escape, told him many secrets, doesn't want to stay there. The right answer is lucky taught him beautiful things. lucky ne unhe bahut achi sachi baatein sikhayi thi, theek hai. Our next question is finally towards the end of the play Vladimir tells Strajan they will hang themselves tomorrow unless. so finally at last jab end play ho raha hai, play jab finish ho raha hai, tab Vladimir ne Strajan se kaha कि दे विल हैंग themselves tomorrow, वो लोग अपने आप को लटका देंगे unless, मतलब वो लोग अपने आप को छोड़ देंगे, ठीक है, जब तक कि क्या। द ऑप्शन आर गॉडर्ड कम्स, दे फाइंड इनफ मनी टू लिव बेटर, लकी एंड पोजो कम बैक, द बॉय कम्स बैक। राइट आंसर इज गॉडर्ड कम्स। जब तक मतलब गॉडर्ड नहीं आएंगे तब तक वो अपने आप को वैसे छोड़ देंगे, इस टाइप से उन लोगों का कहना था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एस्ट्राजन ट्राइज टू मेक लकी फील बेटर इन द वे पोजो सजेस्टेड लकी। तो जब एस्ट्राजन ट्राई कर रहा था कि लकी को मतलब फील हो अच्छा इन द प्ले पोजो सजेस्ट, पोजो ने क्या सजेस्ट किया, दैट लकी व्हाट, ओके। द ऑप्शन आर इज ग्रेटफुल एंड शोज हिज ग्रेट अप्रिशिएशन, इज कंफ्यूज एंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाई एस्ट्राजन इज हेल्पिंग हिम, ही किक्स हिम वायलेंटली इन द शिंस एंड गिव द हैंडकरचीफ बैक टू पोजो, पुल्स डाउन हिज पैकेजेस, लाइज डाउन एंड फॉल्स अस्लीप। द राइट आंसर इज किक्स हिम वायलेंटली इन द शिंस एंड गिव्स द हैंडकरचीफ बैक टू पोजो, मतलब उसने किक किया था उसके शिन जो मैं वायलेंटली गुस्से से उसने मार दिया था, ओके। और हैंडकरचीफ यानी रुमाल उसे फिर से दे दिया था पोजो को, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एस्ट्राजन डू एज सून एज हिज लेग फील्स गुड इनफ टू वर्क अगेन इन एक्ट वन। तो एस्ट्राजन ने ऐसा क्या किया अपने पेट के साथ ताकि उसे अच्छा फील हो चलने में एक्ट वन में, ओके। एंड ऑप्शन आर ही वर्क्स ओवर टू लकी एंड हग्स हिम अगेन, ही वर्क्स ओवर टू लकी एंड स्पीक्स ऑन हिम, he entertains the others by dancing, he hugs Vladimir. the right answer is he works over to lucky and spits on him. wo lucky ke sath works over chal raha tha and spits on him.
और उसके ऊपर थूक फेंक रहा था, स्पिट्स ऑन हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले राइनोसोरस बैरिंजर थिंक्स दैट डेजी लव्स, तो जब प्ले राइनोसोरस स्टार्ट हो रहा है तो उसे बैरिंजर क्या सोच रहा था, डेजी क्या लव करता है, ओके। एंड द ऑप्शन इज जियान, मिस्टर पैपिलियन, डिडर्ड, बैरिंजर। द राइट आंसर इज डिडर्ड, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रोसर्स वाइफ ऑफर्स द हाउस वाइफ इन द प्ले राइनोसोरस, जो ग्रोसर जो सब्जी बेचते हैं ना उसे ग्रोसर ग्रोसरी कहते हैं, और जो उस आदमी को ग्रोसर बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो ऑफर कर रहा था हाउस वाइफ को, जो घर की जो वाइफ उसे इन द प्ले क्या क्या ऑफर कर रहा था राइनोसोरस प्ले में। एंड ऑप्शन आर ए ड्रिंक, अनदर कैट टू रिप्लेस हर डेड वन, ए जॉब, ए लॉफ ऑफ ब्रेड। राइट आंसर इज अनदर कैट टू रिप्लेस हर डेड वन, उसे अनदर एक दूसरा कैट रिप्लेस करने के लिए जो उसका मर गया है उसके बदले में दूसरा कैट मतलब वो ऑफर कर रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ऑफिस हु एट फर्स्ट डज नॉट बिलीव द राइनोसोरस एग्जिस्ट, ऑफिस में कौन विश्वास नहीं कर रहा था द राइनोसोरस ऑफ उसमें प्ले में, हु एट फर्स्ट डज नॉट बिलीव कि राइनोसोरस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड द ऑप्शन आर ड्यूडर्ड, मिस्टर पैपिलन, बोटार्ड, डेजी। द राइट आंसर इज बोटार्ड, ओके, बोटार्ड बिलीव नहीं कर रहा था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन बोटार्ड सीज द राइनोसोरस एट द ऑफिस, जब बोटार्ड ने राइनोसोरस को ऑफिस में देखा थी तो उसने क्या किया। एंड द ऑप्शन आर जंप्स आउट ऑफ आउट द विंडो टू ज्वाइन इट, क्लेम्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई, बिकम्स राइनोसोरस हिमसेल्फ, रन्स अवे टेरिफाइड। राइट आंसर इज ही क्लेम्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई, मतलब वो क्लेम कर रहा था, चिल्ला रहा था कि वो कैसे मतलब समझना चाह रहा था कि कैसे हो गया ये, क्यों हुआ, ठीक है, मतलब राइनोसोरस ऑफिस में कैसे आ गया, क्यों आया, उस चीज़ के बारे में सोच रहा था, समझ रहा समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मिस्टर पैपिलन अंडरस्टैंड्स दैट मिस्टर ब्यूफ हैज़ बिकम एन राइनोसोरस, जब पैपिलन को फील हुआ, समझ में आया कि मिस्टर ब्यूफ जो है राइनोसोरस बन गया है, तो उसने क्या किया, ओके। एंड द ऑप्शन आर कांट स्पीक, सीज इट एज एन एक्सक्यूज टू फायर हिम, फील सिंपैथी फॉर मिसेस ब्यूफ एंड ऑफर्स अ मनी, ऑर्डर्स डिनर। एंड द राइट आंसर इज सीज इट एज एन एक्सक्यूज टू फायर हिम, सो उसे एक एक्सक्यूज दिया ताकि उसे फिर से फायरिंग कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंडिकेट्स दैट जिया विल टर्न इनटू ए राइनोसोरस, ऐसा क्या इंडिकेशन दिया किससे मतलब सिम्बलाइज हुआ कि जिया जो है फिर से क्या हुआ राइनोसोरस बन गया है, ओके। एंड द ऑप्शन आर हिज चॉइस ऑफ मीट फॉर डिनर, हिज हॉर्स वॉइस एंड माइग्रेन हेडेक, हिज बिविलरिंग हेलुसिनेशंस, हिज एंग्री शाउटिंग एंड टॉल लॉन्ग टेल। द राइट आंसर इज हिज हॉर्स वॉइस एंड माइग्रेन हेडेक, उसका आवाज़ को लेकर जो कि बहुत ही अजीब था, और माइग्रेन जो उससे सिर दर्द हो रहा था, ठीक है। इससे इंडिकेशन मिला कि जिया जो है फिर से डायनासोरस बनने वाला है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज गर्ल फ्रेंड डू व्हेन यंग लवर सेज, इट मींस दैट बिटवीन अस देयर इज अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन विच वी कैन बिल्ड द एडिफेस ऑफ आवर फ्यूचर, इन द प्ले द फ्यूचर इन इज इन एग्स, तो द प्ले जो प्ले है द फ्यूचर इन इज एग्स इज इन एग्स, इसमें गर्लफ्रेंड जो है अपने यंग लवर को मतलब जब कहती है कि हाँ हमारे बीच बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है जिससे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, तो इसमें क्या मतलब गर्लफ्रेंड जो है क्या बोलना चाह रही है, ठीक है, क्या कर रही है उससे, इस तरह से जो डायलॉग्स दे रही है क्या बताना चाहती है, दैट इम्ब्रेसेस हिम, लव्स, बिगिंस टू लिव, किसेस हिम, तो गर्लफ्रेंड जो क्या करती है जब यंग लवर ऐसे बोलते हैं तो गर्लफ्रेंड क्या करती है, ओके। एंड द राइट आंसर इज बिगिंस टू लिव, तो क्या होता है वो छोड़ देती है, चली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया असेंडेड थ्रोन, जब क्वीन विक्टोरिया मर गया तो किसने थ्रोन को असेंड किया, फिर से थ्रोन में राजगद्दी में किसने ग्रहण किया, ओके। एंड द ऑप्शन जॉर्ज फाइव, जॉर्ज थ्री, एडवर्ड सेवन, एडवर्ड सिक्स। द राइट आंसर इज एडवर्ड सेवन, तो क्वीन विक्टोरिया के बाद एडवर्ड सेवन ने थ्रोन लिया था, ठीक है, असेंड किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म हैज बीन रिटन बाय, द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड जो है किस जो सोशलिज्म का है किसने लिखा था। एंड द ऑप्शन आर रुबियार्ड किपलिंग, जी बी शॉ, जॉर्ज किसिंग, जॉर्ज मूर। राइट आंसर इज जी बी शॉ, जी बी शॉ ने ये लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को शोज एम्प्टीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस बाय रिप्रेजेंटिंग डेथ इन द प्ले चेयर्स, सो यूनेस्को जो है वो कुछ दिखाना चाहते थे कि कुछ खालीपन है जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अभी भी दिख रहा है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इन द प्ले चेयर्स, चेयर्स में कौन से क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके। एंड द ऑप्शन एम्प्टी चेयर्स, टू चेयर्स, लेगलेस चेयर्स, टू प्ले टू पीपल ऑन ए चेयर। राइट आंसर इज एम्प्टी चेयर्स, खाली चेयर को दिखा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउंटलेस कैथलीन ऑफ द ग्रीन हेलमेट
ए फुल मून इन मार्च आर द फेमस प्लेज ऑफ द काउंटर स्कैटरीन, द ग्रीन हेलमेट, ए फुल मून इन मार्च, ये सब जो प्लेज है दे आर द फेमस प्लेज, किसके प्लेज है? एंड ऑप्शन आर कॉलरेज, ईट्स, स्पेंसर, शॉ। राइट आंसर इज ईट्स, ईट्स का ये फेमस तीन प्लेज है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट एस्टैब्लिश्ड एज ए लीडिंग फिगर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सो जो जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडट, इसमें से क्या किसको लीडिंग फिगर किया ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, ओके। एंड द ऑप्शन आर सिया, ओकेसी, लोएल, कोवर्ड, यूजीन, आइनोस्को, सैमुअल बेकेट। द राइट आंसर इज सैमुअल बेकेट, इससे लीडिंग फिगर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जीबी शॉ, इसमें से कौन सी बातें हैं जो कि गलत है जीबी शॉ के बारे में, इनकरेक्ट हमें देखना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ही रोट आर्म्स एंड द मैन, ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ही वॉन एन एस्कॉर्ट फॉर एडेप्टेशन ऑफ हिज प्ले पाइगमेलियन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ही वॉज अ सक्सेसफुल नॉवलिस्ट। राइट आंसर इज ही वॉज अ सक्सेसफुल नॉवलिस्ट, ये बात जो है गलत है बट बाकी सारी बातें सही है, ठीक है। उन्होंने आर्म्स एंड द मैन लिखा भी था, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, अगेन उन्हें पाइगमेलियन के लिए अवार्ड भी, ऑस्कर भी लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट यूजीन आइनेस्को, कौन सी बातें आइगन यूजीन आइनेस्को के लिए इसमें से सही है, ठीक है। एंड ऑप्शन आर ही वॉज वन ऑफ द प्ले राइट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हिज प्लेज हैव नॉट बीन कैरेक्टराइज्ड एज एंटी प्लेज, हिज प्लेज डू नॉट ब्रेक द कन्वेंशंस ऑफ नेचुरलिस्टिक थिएटर, हिज प्लेज डू नॉट प्रेजेंट पैराडाइज ऑफ ह्यूमन कंडीशन। राइट आंसर इज ही वॉज वन ऑफ द प्ले राइट ऑफ द प्ले थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सो यूजीन आइनेस्को के बारे में कौन सी बात सही है कि वो एक प्ले राइट है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का, ठीक है, ड्रामा लिखने वाले, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी बातें गलत है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, ओके। एंड द ऑप्शन आर ऑस्कर वाइल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट ऑफ द विक्टोरियन एरा, द प्ले लेडी विंडरमेयर्स फैन वॉज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड इन 1892, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड इन 1907, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑस्कर वाइल्ड ऑल्सो रोड द प्ले सैलोमे। राइट आंसर इज द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड इन 1907। सो इसमें से इनकरेक्ट हमें बताना था, तो ये सारी बातें सही है बट ये वाली बातें गलत है, ठीक है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इट वॉज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये गलत है, इन 1907, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें इसमें से जो बातें दी हुई है वो हमें देखनी है। बर्नार्ड शॉ बिलोंग टू द पीरियड ऑफ 1856 to 1950, बर्नार्ड शॉ वॉज बॉर्न इन डब्लिन, ही रोट यू नेवर कैन टेल, इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं, ओके। वन एंड टू, टू थ्री, वन एंड थ्री एंड ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सो ये सारी बातें जो है सही हैं, ठीक है। इन्होंने ये इस पीरियड के थे, वो यहाँ पे जन्म लिए थे, अगर इन्होंने ये भी लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें इस बात फिर से नेक्स्ट हमें सेंटेंस को देखनी है। जॉन गलवर्दी बिलोंग टू 1867 to 1933, ही रोट द फिलेंडरर एंड ही रोट द मैन ऑफ पोएट्री, इसमें से कौन सी बातें सही है, ओके। द राइट आंसर इज ऑनली टू, दैट मीन्स हमारी ये बातें सही है कि इन्होंने क्या लिखा है, द फिलेंडरर, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें सारी बातें फिर से देखनी है। एंड द ऑप्शन आर लेडी ग्रिगोरी कोलैबोरेटेड विद ईट्स ऑन द पॉट ऑफ ब्रॉट इन 1902, डब्ल्यू बी ईट्स सर्व्ड एज लेडी ग्रिगोरीज लाइफ लॉन्ग पैट्रॉन, लेडी ग्रिगोरीज फर्स्ट परफॉर्म्ड प्ले वाज 25, एंड लेडी ग्रिगोरीज रीरोट एंशियंट ग्रीक लेजेंड्स इन हर प्लेस, इसमें से कौन सी बातें सही है लेडी ग्रिगोरी के बारे में। एंड द राइट आंसर इज वन एंड थ्री, दैट मीन्स ये और ये, उन्होंने कोलैबोरेट किया था ईट्स के साथ मिलकर, उन्होंने द पॉट ऑफ ब्रॉथ लिखा था 1902 में, एंड उनका पहला परफॉर्मेंस किया था 25, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी स्टूड फॉर ए मोमेंट लुकिंग अप एट द स्टार्स एज सो फार एज सो मैनी ब्राइट एंड कोल्ड, एंड विथ ए फेंट स्माइल शी थॉट आई वंडर विच इज माई लकी स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इन विच ऑफ हिज और हर वर्क्स हैज द हेड ऑफ द अबव लाइंस, तो जो लाइन है शी स्टूड फॉर, मतलब एक जगह पे उन्होंने रुक कर थोड़ी देर तक स्टार्स में देखा बहुत देर तक जो ब्राइट गोल्ड था, और ओके, और उसने फिर हंसा स्माइल किया एंड उसने सोचा कि उसने मेरा लकी स्टार कौन सा है, तो ये लाइन कौन से नॉवल मतलब ड्रामा में है, कौन से प्ले में है और किसने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑप्शन आर जॉन गल्सवर्दी, फ्लॉरिंग विल्डरनेस, सैमुअल बेकेट, क्रिप्स, लास्ट टेप एंड एम्बर्स, नॉयल कोवर्ड, ब्लिट, एंड लास्ट ऑप्शन इज यूजीन आइनेस्को द बल्स सोप्रानो। राइट आंसर इज जॉन गल्सवर्दी, फ्लॉरिंग विल्डरनेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दैट्स द आयरिश पीपल ऑल ओवर दे ट्रीट अ सीरियस थिंग एज अ जोक एंड ए जोक एज अ सीरियस थिंग। ये लाइन हमारे कौन से ड्रामाटिस्ट कौन से ड्रामा में लिखा हुआ है एंड किसने लिखा है। ओके एंड ऑप्शन है जॉन बर्नार्ड शॉ, मेजर बारबेरा, जे एम बैरी, पीटर पैन, जॉन्स गलवर्दी, द वाइट मंकी एंड ओकेसी द शेड ऑफ ए गनमैन। राइट आंसर इज ओकेसी द शेड ऑफ ए गनमैन। इसमें ये लाइन्स मेंशन किया हुआ है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स आई हु नो दैट वेल व्हेन इट वाज डार्क यू कैन यू ऑलवेज कैरी द सन इन योर हैंड फॉर मी। सो ये लाइन हमारे कौन से प्ले में लिखा हुआ है और किसने लिखा है। ठीक है एंड ऑप्शन जॉन गिल्वर्दी द वाइट मंकी, सिया ओकेसी द रेड रोजेस फॉर मी, यूगी रैनस्को द राइनोसॉरस एंड सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडेट। राइट आंसर इज ओकेसी द रेड रोजेस फॉर मी। तो इसमें हमारी लाइन मेंशन किया हुआ है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी हाउ मेनी पीपल आर शॉक फॉर बाय ऑनेस्टी एंड हाउ फ्यू बाय डिसऑनेस्टी। तो ये लाइन जो है कौन से ड्रामेटिस्ट ने लिखी है और कौन से प्ले में मेंशन किया है। ठीक है एंड ऑप्शन है जॉन्स गलवर्दी, फ्लावरिंग विल्डरनेस, सैमुअल बेकी, क्रैब्स लास्ट टाइप एंड एम्बर, स्नॉल फॉरवर्ड, रिच स्पिरिट एंड यूगेन यानेस्को द वाइल्ड सोप्रानो। राइट आंसर इज सैमुअल बेकी, क्रैब्स लास्ट टाइप एंड एम्बर्स। ओके इसमें हमारा ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी फॉर ईच वन हु बिगिंस टू वीप समवेयर एल्स अनदर स्टेप्स। सो द सेम इज ट्रू ऑफ द लव। सो ये लाइन हमारे किसने लिखी है और कौन से प्ले में मेंशन किया हुआ है एंड ऑप्शंस आर जॉन्स गिल्वर्दी, द वाइट मंकी, क्या ओकेसी, रेड रोजेस फॉर मी, यूगी रैनस्को, राइनोसॉरस एंड और लास्ट ऑप्शन इज सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडेट। द राइट आंसर इज सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडेट। इसमें ये हमारा लाइन मेंशन किया हुआ है। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज परहैप्स माय बेस्ट इयर्स आर गन व्हेन देयर वाज अ चांस ऑफ हैप्पीनेस बट आई वुडंट वांट देम बैक सो नॉट बी द फायर इन मी नाउ नाउ आई वुडंट वांट टू वांट देम बैक। सो ये लाइन हमारे किसने लिखी है और कौन से बुक में लिखी है। ओके एंड ऑप्शन आर जॉन्स गिल्वर्दी, फ्लावरिंग विल्डरनेस, सैमुअल बेकी, क्रैब्स लास्ट टेप एंड एम्बर्स, नॉवल कवर्ड, ब्रीथ स्पिरिट एंड लास्ट ऑप्शन इज यूगी रैनस्को द बल्स फॉर सोप्रानो। द राइट आंसर इज नॉवल कोवर्ड ब्लिथ स्पिरिट। इसमें हमारा ये लाइन मेंशन किया हुआ है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर्स बर्नार्ड नेविल, जीनी एंड सुसैन बिलोंग टू विच नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इससे पहले अभी हमने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें मैक्सिमम लाइन्स वाले दिए हुए जो कि कौन से हमारे नॉवल से मतलब कौन से प्ले में मेंशन किया हुआ है। ठीक है तो आप सब चीज़ देख लीजिएगा ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है वैसे तो वो हमें मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली किसने लिखी है और कौन से नॉवल कौन से प्ले में लिखी हुई है। ठीक है लाइन किस में मेंशन की हुई है तो आप अच्छे से देखते जाइएगा। ओके सो अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द कैरेक्टर्स बर्नार्ड नेविल, जेनी, सुसैन चारों जो कैरेक्टर्स है वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल में मेंशन किया हुआ है कौन से में नॉवल से बिलोंग करते हैं। ओके एंड ऑप्शन है मिसेस डॉलोवे, जैकब्स रूम, द वाइव्स टू द लाइट हाउस। तो ये सारे उनके नॉवल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे कैरेक्टर्स कौन से नॉवल में आते हैं। ठीक है राइट आंसर इज द वेव्स। द वेव्स जो उन्होंने जो लिखा है नॉवल इसमें चारों कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कांट बी सीन, किसे हम नहीं देख सकते एंड द ऑप्शन आर बर्नार्ड लुइस, नॉवल, जीनी, किसने लिखी हुई है एंड द राइट आंसर इज लुइस, लुइस ने ये नॉवल लिखी हुई है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फ्लटरिंग विंग्स इंप्लाई, कौन से मतलब फ्लटरिंग विंग्स जो है क्या दिखाता है हमें। ओके क्या इम्प्लाई करता है जो विंग्स यानी कि हमारे विंग्स यानी कि फीडर्स जो बर्ड्स लोग की होते हैं। ठीक है तो जो फ्लटरिंग कर रहे हिल रहे क्या दिखाता है किसका है ये, व्हाट डज फ्लटरिंग विंग्स इम्प्लाई, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, फ्लावर्स, नेट। राइट आंसर इज बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज लोग का जो विंग्स होता है वो फ्लटर करते रहता है हिलते रहता है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉसिबल रीडिंग टू दैट वेव्स, द वेव्स जो है इसमें पॉसिबल रीडिंग क्या क्या आपको मिलता है। ठीक है पॉसिबल एंड द ऑप्शन आर ऑल द कैरेक्टर्स आर स्टिल चिल्ड्रेन, ऑल द कैरेक्टर्स आर स्पीकिंग फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव, ऑल द कैरेक्टर्स आर टायर्ड, डर्डन एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर वन पर्सन। तो द वेव्स प्ले में हमारे हमें क्या इसमें मिल रहा है कैरेक्टर्स के बारे में। राइट आंसर इज ऑल द कैरेक्टर्स आर वन पर्सन, सारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो एक ही आदमी है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वेव्स पब्लिश, द वेव्स कब पब्लिश हुआ था एंड ऑप्शन 1916, 1925, 1931 एंड 1941। राइट आंसर इज 1931 में ये प्ले पब्लिश हुआ था। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियसली ईयर्स में यूजीसी नेट में आए हुए हैं। ठीक है तो आप लोग इस क्वेश्चंस को खास कर अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि फिर से क्या पता आ सकता है। ठीक है अगर रिपीट कर दे तो। ओके
आज का फर्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, इन द स्प्रिंग ऑफ 1941 निकोस कोजेंटेकिस एम्बार्क ऑन द वन ऑफ द हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, ए प्ले नोन एज यांगजे. सो विच व्हाट इंग्लिश और ग्रीक टाइटल इज इट नाउ नोन एज. तो निकोस जी का ये जो प्ले है, प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है यांगजे, तो ये अभी क्या जाना जाता है, ठीक है, तो क्या टाइटल है. एंड ऑप्शन है बुद्धा, प्रोजिंगनैंग, तोरेस्टे, जोरबा. ये हमारे 2018 दिसंबर में पूछा गया था. द राइट आंसर इज बुद्धा, बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले बाय यूगिन यूनेस्को डू यू फाइंड द ग्रोटेस्क इमेज ऑफ द लेग ऑफ ए कॉर्प्स थर्सिंग ऑन टू द स्टेज एंड विच बिगिन्स टू ग्रो लार्जर एज द प्ले प्रोग्रेस इन ए मैनेसिंग मैनर. तो जो यूगिन यूनेस्को जी का जो प्ले है उसमें आपको क्या मिलता है, जो पैर को लेकर जो मरा हुआ जो बॉडी होता है उसको कॉर्प्स बोलते हैं, इसमें रखते हैं, ठीक है. तो थर्स्टिंग ऑन टू द स्टेज, स्टेज में दर्शाया गया है, विच बिगिंस टू ग्रो लार्जर, जो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके से. एंड द ऑप्शन आर द बेल सोप्रेनो, एमेज, और हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, एग्जिट द किंग, द लेसन. ये क्वेश्चन हमारा 2017 नवंबर में आया हुआ था. ओके, द राइट आंसर इज एमेज, और हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. तो कैसे इससे छुटकारा मिले, ठीक है, इस तरह से इमेज को दर्शाया गया था. ओके, इन विच प्ले, तो इस प्ले में मेंशन किया वही सारी बातें, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर ऑफ हेनरिक एब्सन स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स. ये जो लाइन है हमारा, द लाइफ ऑफ ए नॉर्मली कंसिडर्ड आइडिया इज जनरली अबाउट 17 और 18 ईयर्स एज द एट द मोस्ट 20. ये लाइन हमारे कौन से हेनरिक एब्सन जी का द्वारा कहा गया है, विच कैरेक्टर. ओके, एंड ऑप्शन है नोरा इन ए डॉल्स हाउस, सो डॉक्टर थॉमस टॉकमैन इन एन एनिमी ऑफ द पीपल, जॉन रॉसमैन इन रोज रॉसमैन होम, एंड ऑसवर्ड इन घोस. 16 जुलाई में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बोला गया है कि ये कैरेक्टर कौन है, किस कौन से प्ले में ये लाइन कही गई है, ठीक है. राइट आंसर इज डॉक्टर थॉमस टॉकमैन इन एन एनिमी ऑफ द पीपल. इस प्ले में इन्होंने इस लाइन को कहा था, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बेकल्स वेटिंग फॉर गॉडर्ड द कैरेक्टर्स ऑफन यूज डिसलोकेटेड रिपिटिशियस एंड क्लिंच्ड स्पीच प्राइमरी टू. सो बेकल जी का जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडर्ड, इसमें कैरेक्टर्स जो है क्या कर रहे हैं, डिसलोकेट कर रहे हैं, बार बार अपने आप को अलग अलग कर रहे हैं, रिपीटियस बार बार रिपीट कर रहे हैं. उनका जो स्पीच है वो बहुत ही मतलब कन्फर्मेटरी टाइप का है, जिससे कॉन्ट्रेक्ट कर सकते हैं या फिर बार्गेनिंग टाइप, इस टाइप का, ठीक है. तो उसमें क्या दिखा रहा है. ओके, एंड ऑप्शन है इलस्ट्रेट एसेंशियली लॉजिक इलॉजिकल पर्पज इज नेचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, रिक्रिएट द वर्किंग्स ऑफ द सबकॉन्शियस, मॉरल एग्जीक्यूटिव डिग्निटी एंड विजडम ऑफ मॉडर्न सेल्फ पोजेस्ड इंटेलेक्चुअल्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज रेनफोर्स द कॉमिक एक्शन ऑफ फायरसिकल प्लॉट्स. ये क्वेश्चन 2015 दिसंबर में पूछा गया था. एंड द राइट आंसर इज इलस्ट्रेट द एसेंशियल इलॉजिकल एंड पर्पसलेस नेचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर डीडीएन गोगो. डीडीएन गोगो कौन था, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था. ओके, जो कि हमारे 2014 दिसंबर में आया हुआ है. एंड द ऑप्शन है दे आर टू कैरेक्टर्स इन एंड गेम, दे आर निकनेम्स रिस्पेक्टली बाय फॉर ब्लकी एंड पोजो, दे आर निकनेम्स रिस्पेक्टली फॉर व्लैडिमीर एंड एस्ट्रोजन, एंड दे आर टू कैरेक्टर्स आर इन ब्रेथ. द राइट आंसर इज दे आर निकनेम्स रिस्पेक्टली फॉर व्लैडिमीर एंड एस्ट्रोजन. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके टोटली अगर वीडियोज देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल कॉमेंट्स पड़ जाएंगे. और आशा करती हूँ मैं बहुत अपने तरफ से हेल्प तो कर ही नहीं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिल बेकर्स ट्रायलॉजी पब्लिश टुगेदर इन लंडन इन 1959 अंडर द इंग्लिश टाइटल्स इज. तमिल बेकर जी का जो ट्रायलॉजी पब्लिश हुआ था लंदन में सब टुगेदर, एक साथ तीन टू मिलकर, ठीक है, तो वो 1959 में अंडर द इंग्लिश टाइटल, उसका टाइटल क्या था. ओके, एंड ऑप्शन है मोर प्रिक्स देन किक्स, मर्फी मोलॉय, बी मोलॉय, मेलनडाइज, द अनमेबल मोलॉय मर्फी मेलनडाइज, एंड द अनमेबल अनेबल अनमेबल मोर प्रिक्स देन किक्स एंड मर्फी. ये क्वेश्चन 2014 दिसंबर में आया हुआ है. जो शामिल बाकी जी का जो ट्रायलॉजी है, जो तीन टू हमारा प्ले है, उसका नाम हमें मेंशन करना है, ठीक है. द राइट आंसर इज बी मोलॉय मेलनडाइज द अननेमेबल. ओके, ये तीन टू इनका तमिल बेकेजी का ट्रायलॉजी था, ठीक है, जो कि लंदन में एक साथ पब्लिश हुआ था. ओके, 1959 में. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज पब्लिश अर्लियर देन 1955. इसमें से कौन सा है जो कि मतलब 1955 से पहले पब्लिश किया गया है. ओके, और वो हमें आइडेंटिफाई करना है. एंड ऑप्शन आर विलियम गॉडलिंग द इनहेबिटर्स, फिलिप लार्किन द लेस रिसीव्ड, विलियम एम्सन कलेक्टेड पोएम्स, एंड सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडर्ड. ये हमारा 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है.
राइट आंसर इज सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडॉट। ये हमारा 1955 से पहले पब्लिश हुआ था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसमें से कौन सा अच्छे से हमें डिस्क्राइब कर देता है, डिस्क्रिप्शन देता है। एंड द ऑप्शन आर, फर्स्ट हमारे जो कंसिडरेशन है वो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, बर्नर्ड शॉ'स आइडियाज ऑफ लाइफ फोर्स, ए प्ले डीलिंग विद वुमेन्स परसेप्ट ऑफ हर मेड, एंड ए प्ले हुज थर्ड एक्ट कॉल्ड डॉन जुआन इन हेल इज बोथ कन्वेंशन एंड हिलेरियस। तो ये जो सारी बातें हैं हमारे अच्छे से किसमें डिस्क्रिप्शन दे रही है, ठीक है। एंड ऑप्शन द डेविल्स डिसाइपल, मैन एंड सुपरमैन, कैनिडा एंड आर्म्स एंड द मैन। तो कौन से प्ले में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2014 दिसंबर में आया हुआ था। ओके, द राइट आंसर इज मैन एंड सुपरमैन। सो इस प्ले में ये सारी बातें हमारी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगा, सब आपको अच्छे समझ आया, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, इससे आपके हमारे जो वीडियोज हैं सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प होगा यूजीसी नेट या पीजीटी या टीजीटी एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके, सो तो हमारे वीडियो सर बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।